ने की सब काम देखो मैया देख सब मैं तो मायके ते आई हूं हाल सर पर ही है तो देख ला पन्ना में यशोदा जी के लल्ला को पालना में तो उठा लिया है, आंचल से जहल लगा के आई है और अलग ले जाके कह रही है ले लला दूध पी ले, भगवान मन में कह रहे ने को जी ले, अपय पे चक्कर में वो अपय जुगाड़ में आई अपे पे चक्कर में। श्रोता बंधु जिस समय दूध पिलाना चाहा और दूध जब खत्म हुआ से खून पे नंबर लग गया और मालूम है जब शरीर में तो खून खिंचत हुआ तो पाए नुमा तो अड़कल पत्ते नीचे थे। अब जब पूतना बेचैन हुई श्रोता बंधु उस परम ब्रह्म परमात्मा की जब कृपा दृष्टि होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है और वो तो स्वयं ब्रह्म है। और आपने देखा होगा ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में और दोहा नंबर चार क्या लिखा है के प्रवेश नगर की जय सवकारा प्रवेश नगर की जय सवकारा ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधार पुखर मिटाई ओ गोपद सिंधु अनल शीतलाई ध्यान रखना प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। जब भगवान की कृपा होती है तो करल सुधा जहर भी अमृत बन जाता है। रिप करे मिताई अरे जे जाली पे बालक चढ़ गए अरे दुश्मन मित्रता करने लगता है समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है अग्नि शीतल हो जाती है जिस पर मेरे राम की कृपा। तो आज पूतना दूध पिला रही है और जब प्राण संकट में देखे उसी समय भयंकर राक्षसी भेष में आ गई और जब राक्षसी भेष में आई बालक को लेके और आकाश मोड़ दिया गोकुल पर जब चक्कर लगाया सब नगरवासी बोले यशोदा मैया कोई राक्षस आगो तेरे लल्ला उठा ले। यशोदा मैया कह रही भगवान कथा करवा दूंगी गंगा जी नहाया हूंगी सोमवार को खीर चढ़वा दूंगी मेरा बेटा बचिया कैसी मार। अब जिना मालूम वो सब संसार के देवतन को देवता की नगी खीर चढ़ा रही है पर छोड़ी मऊ है नहीं छोड़ी। अब पूतना विचार कर रही है कि जाए लेख में धरती पर गिरू तो ऊपर से पड़े मेो भजन और नीचे से जमीन की चोट लगाई तब मरेगा तब मरेगा। तो बहुत तेजी में ला रही थी भगवान चुपट रहे थे छाती पे और पूतना भयंकर राक्षसी भेष में थी और जिसमें नीचे गिरी है भगवान की माया क्या हुई है अरे हरिनी माया फैलाई अरे हर ने माया फैलाई पाप ने रही नीचे फूलाई कजुबर भूमि से सरही जाई हर ने पलटा दाय लगाई और ये हर्ष बाबू हैं उनकी तरफ से 100 रुपए की हर माला से सम्मानित किया है परमात्मा लंबी आयु देता रहे धन्यवाद। एकदम एक गज धरती रह गई थी और उसी समय भगवान ने ऐसा झटका मारो सो पूतना पट आ रही सो चित्त रह गई और जो 14 भवन का भार छाती पे बैठो और नीचे जमीन की चोट लगी
हाथ में जीव लेकर गई बा जेऊ ने कह पाई के बालक गोर होए के कार होए के छोटो होए के मोटो होए कलश वाली बिटिया है आ जाओ श्रोता बंधुओं जिस समय पूतना मरी है और लिखा है भागवत पुराण में पूतना आई कितने बीच में को समय पाप ने आई और जाखन मौत पूतना भाई छह कोश में आई है। अब जा में तो परीक्षक जी शंका छह कोश के तो 18 किलोमीटर रह गए पर नहीं इस शरीर में 5 कोश हैं छठवां मन है। जीव जब जाता है तो यही 6 कोश अपनाता है। आपने देखा होगा जिस समय महाराज दशरथ जी और अयोध्या के राजभवन में जब प्राण छोड़ा है तो 6 ही बार राम निकला है मुंह से। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम 6 ही बार राम निकला प्राण निकल के चला गया। वो इच्छा रास्ता आज पूतना ने अपनाई है। यशोदा मैया तो पहले ले उठा ले गई भगवान मेरी तो दही ले चुकटी आज खूब काम में आ गई नहीं मैं कहा हूं। अब बड़े बूढ़े ने सलाह करी कि भैया जाए ते बड़े मुर्दा ले को जावे हो टिकटी को बनावे हो जाए उठाए की को ले जावे हो तो वो वृद्ध समाज तो जय सलाह मिलाते रहे तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे सो कुड़ारी ले आए गड़ासी ले आए काउन पोचे पद काट दे काउन कोनी पद काउन घोटू पद काउन मुराई पद और काट काट के वगैरह शरीर को चट्टा लगा दो न्या मरी ते ही जगा दी जे उन्हें बता पाई कंस बालक कैसो है। सकटाश्रो तृणाव्रत को भेजा दोनों का भगवान ने मार के उद्धार कर दिया। अब गर्गाचार्य जी आए हैं तो गर्गाचार्य नाम धरवे आए तो रात में आए बा पापी के डर की वजह से तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखे रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम एक दूसरा नाम रखा संकर्षण। संकर्षण उसे कहते हैं जो एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए और बलराम ध्यान रखना या दुनिया में राम 3 ही हुए चौथा राम नहीं हुआ। एक भगवान परशुराम एक श्री राम और एक बलराम ये राम 3 ही हैं। यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। सुनो बात मत करा करो और कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत के आदि परम में लिखा है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला और सांवला रंग है आकाश का। जैसे इस आकाश का कोई आदि अंत नहीं है ऐसे यशोदा के बेटा का कोई आद्य अंत नामकरण हुए। श्रोता बंधु एक दिन यशोदा मैया ने कही बाबा नंद से देखिए सुनो कथाएं कल्प के आधार से हैं कल्प के आधार से हैं इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि सुनो तात यह अकत कहानी और समुझत बने न जाए बखानी। भगवान की कथा को आप समझ तो सकते हो लेकिन अगर इसका कोई संपूर्ण बखान करना चाहे बिल्कुल असंभव बिल्कुल असंभव। और दूसरे रूप में उन्होंने बताया कि हर अनंत हर कथा अनंत। श्रोता बंधु जैसे भगवान अनंत है ऐसे उसकी कथाएं अनंत हैं उसका कोई पार नहीं पा सकता। नाना भाग से हर युग में भगवान अवतार धारण करते हैं। आपने देखा होगा कागभूषण जी ने बताया था कि बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प की बता रहे हैं वो क्या जब जब राम का अवतार हुआ है हर त्रेता में और तब तब मैंने दशरथ महाराज के भवन की दीवार पर बैठ के और राम की झूठन खाई में 27 बार की तो वो एक कौआ बता रहा है हम तुम तो आदमी है। ध्यान रखना कथाएं कल्प के आधार से हैं। तो आज यशोदा मैया बोली है
बहन जी तुम्हारे कुनबा में ज्यादा बात आ रही है। देखो जब बीच में तो जा लेंगे तो कोई शब्द आ रहा है, एक शब्द बता दो तुम कोई। और बिच्चा बात है घरे जाके कह देती वो कोई सात्री आ जा, सब हमारी बुराई करते हैं। तो तुम जी तो स्वयं निर्णय कर लो कि जा लेंगे तो पीछे तक कोई एक शब्द ना आ रहा हो तारी सी रंद रही है। उस समय यशोदा मैया बोलेंगे सुनना रे कि का है कि देखो बाजना जी लला पाप राक्षसी थी बच गो। हाँ और तुमने नाम धरवा दे तो मेरी आज चाय के कहो ब्राह्मण न होते आओ। ब्राह्मण अगर घर पे भोजन कर जाएंगे तो नहीं हमारे कल्याण रह जावे हो। चलो अच्छी बात है, इससे बढ़िया सुंदर बात नहीं कि ब्राह्मण घर पे भोजन कर जाए। तो आज यशोदा मैया ने तो भोजन बनाया है और बाबा नंद ने आज ब्राह्मण देवता का नौता किया है। आजा महाराज नहा धोए की जल्दी आइयो। सो ब्राह्मण तैयार है कि पूजा पाठ करके यज्ञोपवीत डाल के और बेंत हाथ में लेके और नंद भवन को चल दिया। जब नंद भवन की तरफ आए यशोदा, अरे बाबा आ गए तुम। हाँ आ गए, लाओ रोटी पसराओ खाना ले आओ। तो देखो पहले तुमने देखी हो बालक ने थोड़ा सा बड़ो है जा तो पीढ़ी पे लेटा लेती पीढ़ी पे। अब कहू की पीढ़ी है, अब पीढ़ी तो जो ना पीढ़ी बा काम हुई ना है।